वेलकम, नमस्कार। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। जी हां, विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। और चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो हमारे इस खास सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज खबर है पत्र, प्रोडक्शन और पॉलिटिक्स। चलिए विस्तार से समझिए इसको। इंदौर की एक दुकान पर मिले एक पत्र में, एक लेटर में राहुल गांधी को उड़ाने की धमकी दी गई और इस लेटर के सामने आने के बाद कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी को घेर रही है। दोनों ओर से बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी के हथकंडे से जोड़ के देख रही है, तो बीजेपी इस पत्र को पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। अब ये लिखा किसने, पुलिस फिलहाल कुछ नहीं बता रही है। इंदौर में एक दुकान पर मिले इस संदिग्ध पत्र में राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर में इंदौर को बम विस्फोट से दहलाने और 1984 के दंगों का भी जिक्र है। जाहिर है कि 28 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा इंदौर आएगी। वही धमकी भरे लेटर मिलने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा का मुद्दा फिर उठाया है। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट भी किए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं। राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम। बीजेपी हर तरह प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। धमकी भरे इस लेटर के लिफाफे पर भेजने वाले की जगह रतलाम के बीजेपी विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। हालांकि रतलाम विधायक ने इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी इसे कांग्रेसियों का स्टंट बता रही है। बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इंदौर में मेरे नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिस पर प्रेषक के रूप में मेरा नाम लिखा गया है। यह पत्र मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा से लेकर चाहे माननीय कमलनाथ जी हो या और भी कोई लोग हो, सबकी सुरक्षा मध्य प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। ये पत्र मुझे एक स्टंट दिखाई देता है कि जिसके माध्यम से यात्रा में जिस प्रकार से लोग आज यात्रा को इग्नोर कर रहे हैं, यात्रा जिस प्रकार से असफलता की ओर जा रही है, तो उनको लगता है कि स्टंट कैसे बनाया जाए। राहुल की सुरक्षा को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और सीएम शिवराज की मुलाकात भी हो चुकी है। जाहिर है कि कुछ दिन पहले भिंड में भारत जोड़ो यात्रा में गोली चली थी, जिसके बाद राहुल की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने खूब हो हल्ला किया था। लेकिन इस संदिग्ध लेटर के मिलने के बाद अब सुरक्षा का मसला और ज्यादा गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए इससे समझने की कोशिश करते हैं कि इस लेटर में कितना है दम, क्योंकि सुरक्षा और इस पर सियासत हो रही है राहुल गांधी को धमकी भरे पत्र के बाद से। इसे समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं चुनाव शाखा में और वहां मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, राहुल गांधी को धमकी भरा पत्र मिला है। इस धमकी भरे पत्र में कई सारे जिक्र किए गए, 1984 के दंगों का जिक्र हुआ है, साथ में ये कहा कि कोई पार्टी उस समय हमारा सुध लेने वाली नहीं थी। जिस पर आरोप लगा है उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि मेरे साथ किसी ने मजाक किया है या मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये
सिर्फ और सिर्फ बौखलाई हुई बीजेपी है, इसलिए इस तरह की ये हथकंडे अपना रही है। बीजेपी कह रही है ये पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर इन सब के बीच कोई दूर बैठे मज़े ले रहा है। बिल्कुल आपने सही लाइन पकड़ी आखिरी में। देखिए सियासत में प्रोपेगेंडा जो होता है वो प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम होता है, और जिस तरह से बीजेपी ने रिएक्ट किया शुरू में कि ये स्टंटबाजी है कांग्रेस की, अगर स्टंटबाजी है तो ये बड़े कच्चे स्तर पर करी गई, क्योंकि जो लेटर है जिसके नाम से डाला गया वो उस सब में जो प्लानिंग दिखती है वो कोई बहुत कच्चे खिलाड़ी के द्वारा की गई हुई लगती है। खैर ये तो एक स्टंट वाली बात है, लेकिन आप देखिए बीजेपी ने इसको बड़े संयत तरीके से रिएक्ट किया है। बीजेपी इसमें समझदार पार्टी है, और उसने उसने ये जरूर कहा कि स्टंटबाजी है, लेकिन तुरंत फिर ये भी बयान आए कि राहुल गांधी हमारे मेहमान हैं और मध्य प्रदेश में उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। देखिए अगर सुरक्षा का मसला होता है खासतौर से राहुल गांधी के साथ, तो एक सिंपैथी उनके साथ अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को खोया, तो जब सुरक्षा का मसला उन पर आता है खासतौर से इस तरह के कार्यक्रम में, तो एक जुड़ाव उनसे या एक सिंपैथी हमेशा वो गेन कर लेते हैं। और ये अगर स्टंटबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है तो उसमें ये मकसद हो सकता है, लेकिन हालांकि जिस तरह से लेटर लिखा गया और पूरा इंसिडेंट आज जिस तरह से चला उसमें लगता नहीं कि कोई इस तरह से कोई बहुत सोच समझ कर ये कोई स्टंटबाजी की गई हो। खैर लेकिन मध्य प्रदेश की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ सियासत अभी उस स्तर पर नहीं है, उस स्तर पर बेमनस या मतभेद नहीं कहे जा सकते कि यहाँ तक बात आए कि कोई ऐसी कोई घटना घटे। और जिस तरह से बीजेपी ने आज रिएक्ट किया और बात ज़्यादा बहस को गलत दिशा में नहीं जाने दिया, तो ये एक अच्छी बात है राजनीति में। हाँ लेकिन देखिए आप विजय, ये जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो ये तो है कि कांग्रेस चाहेगी कि इसको पूरा प्रचार प्रसार मिले, और अब कांग्रेस के एटीट्यूड में एक बदलाव आप देखेंगे जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है। साउथ में उसका जो मोड था वो थोड़ा अलग था, लेकिन अब एग्रेशन उसमें आते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से कल राहुल गांधी ने वीर सावरकर के का लेटर जारी किया और ये दावा किया कि उन्होंने अंग्रेजों के नौकर बनना ज़्यादा पसंद किया था, तो ये अब हवा दे रही है खुद कांग्रेस अपनी तरफ से, और वो चाहती है कि उत्तर भारत में जब वो आए तो इसको भरपूर प्रचार प्रसार मिले, और उसका सबसे अच्छा तरीका प्रोपेगेंडा या कोई विवाद खड़ा हो, ऐसी बयानबाजी तेज हो, तो ये एक वजह हो सकती है विजय इस पूरे इंसिडेंट की जो आज हमने देखा। जी लेकिन हम इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते शैलन जी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश शांति के टापू को कई बार दहलाने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि NIA ने भी कई लोगों को पकड़ा है। सवाल ये है कि राहुल गांधी की सुरक्षा, और वो भी मध्य प्रदेश में, तो एक बड़ी जिम्मेदारी और सुरक्षा एजेंसियों की हो जाती है। बिल्कुल देखिए जिस तरह से विजय ये जो यात्रा मध्य प्रदेश के जिस भाग से गुजर रही है निमाड़ और मालवा के इलाके से, तो वहाँ कुछ कट्टरपंथी संगठनों की मूवमेंट हमेशा से रहे हैं, चाहे सीमी हो चाहे दूसरे संगठन हो, तो ये पॉलिटिक्स या सारे हमारे जनप्रतिनिधियों को या दोनों पार्टियों को ये जरूर सोचना होगा कि ये ऐसा मामला इस बहस में ना उलझ जाए और फिर कुछ कोई इसका फ़ायदा उठा ले जाए, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिटिक्स राजनीति में ये सब होता ही है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन दोनों तरफ से ये खासतौर पर ध्यान रखना होगा कि ये बहस ऐसी ना उलझे कि कोई तीसरा या कोई ऐसी विघटनकारी तत्व या विघटनकारी कोई शक्ति इसका फ़ायदा उठा ले जाए और कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो इसका तो बहुत ख्याल रखना होगा। और जिस तरह से लेकिन विजय आज बीजेपी की तरफ से और कम से कम सरकार की तरफ से जो रिस्पांस आया, जिस तरह के बयान आए, उसमें ये तो है कि उसकी गंभीरता को वो समझ रहे हैं, और कम से कम राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई गुंजा ऐसी कोई समझौते वाली बात या ऐसी कोई लापरवाही वाली बात तो नज़र नहीं आती, क्योंकि मेरे को लगता है सरकार पूरी तरह से इस पर प्रतिबद्ध है सुरक्षा को लेकर, और बीजेपी भी का हर कार्यकर्ता, और जिस तरह से VD शर्मा ने आज बात कही हर कार्यकर्ता की वो बात है कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में कम से कम कोई खतरा नहीं है वाकई। और अगर इतनी समझदारी से या ये कहें कि इतनी जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस का वो कुनबा और इंटेलिजेंस का वो कुनबा भी तैयार होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलन जी चुनाव शाखा से इस बात को बहुत बेहतर तरीके से हम तक समझाने के लिए। और अब बारी है हमारे बेहद ख़ास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपको लिए चलते हैं उज्जैन की उत्तर विधानसभा। महाकाल की नगरी की ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से पारस जैन विधायक हैं। पारस जैन पिछले 7 चुनावों में 6 बार जीते हैं, और इस बार
कांग्रेस भी तैयारी के साथ मैदान में है। देखना है कि पहलवान पारस जैन को क्या वो पटकनी देते हैं, या फिर पारस जैन का दाव उन पर भारी पड़ेगा, या फिर यहां से कोई नया पहलवान सामने नजर आता है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। 2023 में किसकी सरकार होगी, और आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर विधानसभा में, जहां लगातार बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यहां के जो विधायक पारस जैन है, वो छठी बार के विधायक यहां से रह चुके हैं। क्या समीकरण है, क्या क्या मुद्दे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता क्या क्या मुद्दों को लेकर 2023 में सरकार किसकी चुनती है, हम जनता से जानेंगे। जनता की क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे के अनुसार सरकार होना चाहिए। उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट करीब 2.5 लाख मतदाता वाली सीट के अपने सियासी समीकरण है। सीट का सियासी इतिहास बताता है कि ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है, जहां से पारस जैन 6 बार जीत चुके हैं। 1990 से 2018 तक की बात करें तो सिर्फ 1998 में पारस जैन को हार का सामना करना पड़ा था। सरकार में मंत्री रहते हुए पारस जैन ने कई विकास कार्य भी विधानसभा में कराए। सिंहस्थ के दौरान हुए कई विकास कार्य यहाँ नजर आते हैं, नए पुल सड़कें नजर आती हैं, लेकिन यहाँ की जनता को आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। जनता विकास कार्यों को लेकर पशुपेश में है। विकास कार्यों की बात तो करती है, लेकिन शिप्रा का शुद्धिकरण, स्थानीय युवाओं को रोजगार और महंगाई का मुद्दा उनकी नज़र में 2023 में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। थोड़ा सा केवल इकोनॉमी पर अगर ध्यान दें और थोड़ा रोजगार के जो अवसर हैं, और उज्जैन जैसे शहर में क्या है कि रोजगार आज बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हम धर्मों में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, बाकी जनता के लिए जो रोजगार होना चाहिए वो एक बहुत उज्जैन उसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ लगता है। लेकिन बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो अभी भी ठीक से नहीं हो पाई है, जैसे ये सड़कें बनाना, नल को लेकर, ये काम तो पार्षद वगैरह भी कर देते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं हुई। जैसे बड़ी बीमारी कुछ हो जाती है तो उज्जैन में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, तो उसको सीधा रेफर कहाँ किया जाता है, इंदौर में। विधायक पारस जैन एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। शिवराज सरकार की योजनाओं और विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के दम पर उन्हें जीत की उम्मीद है। वर्तमान जब 23 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये बात है कि हमारे संगठन को भी उसको विचार करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को उम्मीदवारों को टिकट दे जो जीतने वाले हैं। गहन अध्ययन करके सर्वे करके यदि देंगे तो मुझे लगता है कि जो 2023 के चुनाव में वापस भारतीय जनता पार्टी इसको बहुमत से, और एक बार और सुनने में आती है, जब जब सिंहस्थ महापर्व होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वापस सीएस पर्व आने वाला है, तो मुझे उम्मीद है महाकाल बाबा वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए तैयारी के साथ मैदान में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता माया राजेश त्रिवेदी के साथ आजाद यादव, अनंत नारायण मीणा, रवि भदौरिया क्षेत्र में दावेदारी कर रहे हैं। माया त्रिवेदी का कहना है कि जनता नाराज है और इस बार कांग्रेस की जीत होगी। धार्मिक नगरी होने के नाते हम सभी की इच्छा रहती है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जो महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, उन श्रद्धालुओं को इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो लोग भी आ करके और तृप्त होकर के जाएं, कि उन्हें बाबा के दर्शन करने के लिए या अन्य मंदिरों में जाने के लिए उन्हें बहुत ही सुलभ कन्वेंस के सुविधाएं उनके पास हो। उसके अलावा अगर वो मंदिर में जाते हैं तो उन्हें महाकाल बाबा के भी बहुत ही सुलभ दर्शन हों। 2023 को लेकर महाकाल की नगरी में सियासी रंग चढ़ने लगा है, दावे और वादे हैं, जनता के मन में क्या है ये तो जनता ही जानती है। उत्तर विधानसभा की जनता का हमने मन टटोला तो इसमें कई अहम मुद्दे निकल कर आए हैं। जनता का सोचना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, युवाओं को रोजगार मिले, और खास बात जो महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो भी सरकार आए जनता का सोचना, चाहे कांग्रेस सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने, मुद्दों के अनुसार जो महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा निकल के आएगा, जो सरकार महंगाई कम करेगी वो हमारे हित की सरकार होगी। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। तो उज्जैन की चर्चित विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है, और उज्जैन उत्तर 6वीं बार जीते बीजेपी के पारस जैन सरकार में मंत्री रहे हैं। ये सियासी इतिहास, जरा इसके समझिए।
और पिछली बार 1998 में यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, यानी कि 1998 के बाद कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पाई। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिलवा सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े से। विपिन वानखेड़े आगर सीट से विधायक हैं। बंसल न्यूज के खास प्रोग्राम बोले तो नेताजी में हम आज बात करेंगे आगर मालवा जिले से, आगर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े से। विपिन जी, किस तरह के चुनाव, जो 2023 में जो आगामी चुनाव होना है, किस तरह से आप देखते हैं चुनाव को? बहुत ही स्पष्ट है, आम जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के दम पे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी है, जनता के सामने है। लगातार क्षेत्र की जनता प्रताड़ित है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। आप NSCI काफी समय तक अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश में, NSCI की क्या भूमिका रहेगी आने वाले चुनावों में और किस तरह का दायित्व NSCI को मिलने वाला है? NSCI का काम है छात्रों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का। लगातार NSCI प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से छात्रों को जोड़ने का काम करते आ रही है। और जो नफरत की भावना जो देश में भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है, नफरत की भावना को खत्म करना हमारा मकसद है। देश में भाईचारे की भावना को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। लोकल स्तर की बात की जाए तो आपके क्षेत्र में जिस आगर विधानसभा में क्या लोकल मुद्दा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? आगर को जिले बने हुए लगभग 9 साल हो गए। इन 9 सालों में लगभग 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन फिर भी हमारा जिला मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में लगभग 100 गौशालाएं आगर जिले को मिली। कमलनाथ जी की सरकार में 603 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना आगर जिले को मिली। कमलनाथ जी की सरकार में लगभग 11 बिजली के ग्रिडें आगर जिले को मिली। कमलनाथ जी की सरकार में कई सारे डैम आगर जिले को मिले। ऐसी अनेकों अनेक, चाहे वो किसानों की कर्जा माफी की बात हो, किसानों को मुआवजा देने की बात हो, 300 करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र में मुआवजा मिला, हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, ऐसी कई सारी सौगातें हैं जो कमलनाथ जी की सरकार में मिली। वोटर जो है आगर विधानसभा का, फिर से आप पे ही क्यों डिपेंड होगा, यह आपको ही क्यों चुनेगा? देखिए, ये तो जनता का मत होता है कि जनता किसे चुनना चाहती है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है और एक तुलना होती है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार 6 बार विधायक रहे और 1 बार मैं विधायक रहा, तो अगर जनता ने मुझे वोट दिया तो कहीं ना कहीं तुलना करके वोट दिया, और आने वाले समय में भी जनता अगर मुझे वोट देगी तो तुलना करके वोट देगी। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैंने जो जनता की सेवा करी है, जनता के साथ और जनता के विकास के काम में, जनता के सुख दुख के काम में जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहा हूँ, जनता उसके लिए मुझे अपना समर्थन देगी। तो बंसल न्यूज़ के खास प्रोग्राम बोले तो नेताजी में थे आगर से विपिन वानखेड़े, जो कांग्रेस से विधायक हैं। आगर मालवा से बंसल न्यूज़ के लिए राहुल जोशी की रिपोर्ट। और बात जब चुनाव की हो और चुनावी जायके की हो तो फूड कैपिटल को कैसे कोई मिस कर सकता है। मिनी मुंबई यानी इंदौर पहुंची बंसल न्यूज़ की टीम ने बुआ जलेबी और समोसे के साथ उसका जायका लेते हुए लोगों से चुनावी जायका लिया। नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। और चुनावी जायके की बात करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं इंदौर में चौक चौराहों के बीच में। और इंदौर की बात की जाए तो यहां का पोहा वर्ल्ड फेमस है और 24 घंटे यहां पर आपको पोहा मिल सकता है। लेकिन पोहे के स्वाद के साथ में किस तरीके से चुनाव की चर्चाएँ भी यहाँ पर हो रही है, इस पर भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर साल 2023 में होने वाले इलेक्शन को लेकर जनता क्या सोचती है। क्या कहेंगे भैया इंदौरी पोहे को लेकर? भैया बहुत प्यारा पोहा है, मजा में तो पोहा बड़ा अलग ही मस्त है एकदम। पोहा बिगड़ तो कुछ सुबह ही नहीं है यहाँ के। दिन में भी पोहे खूब खाते हैं लोग? खूब खाते हैं भैया, वो चलते हैं। यहाँ पर पोहा तो अलग है, लेकिन इसके साथ में पोहे के साथ में कुछ लोग यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं, चाय का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत भी करेंगे, आखिर मुद्दे किस तरीके से इंदौर के चुनाव में इस बार प्रभाव डालेंगे। 2023 का इलेक्शन भाई साहब बहुत करीब है, अब 1 साल का वक्त है। क्या मुद्दे हैं इंदौर में आप देख रहे हैं, कितना काम हुआ है और क्या लगेगा किसका पलड़ा भारी है? इंदौर में तो जो विकास के काम होना चाहिए वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो गति है वो बहुत धीमी है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को हमेशा मिलती है कि जितने भी काम होते हैं उनमें बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना ली जाती है, लेकिन उसको अमल तक लाना, मतलब आखिरी अंतिम पड़ाव तक पहुँचाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
किस तरीके से इस बार चुनावी जायका है इस बार? बहुत बढ़िया है, काम तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा धीमी गति से हो रहे हैं। क्या क्या समस्या है इंदौर में? इंदौर में ट्रैफिक की समस्या है हमारे इस क्षेत्र में, जो भोलाराम उस्ताद मार्ग है वहाँ पर मतलब निकलने की मतलब कि वो नहीं होगा। अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं और मान लो आपको शिवमपुरी उसके जो कॉलोनी है अगर वहाँ पर अगर कोई निकलता है तो उसको वहाँ से वहाँ तक मतलब ये समझो 200 मीटर की दूरी में भी उसको कम से कम नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक बड़ी समस्या है, आप क्या मानते हैं क्या काम हुआ है शहर में और किस तरीके से इस बार का चुनाव का माहौल बन रहा है? काम तो हो रहा है बाकी थोड़ा धीमी गति से हो रहा है और ट्रैफिक का भी है एक तो, और रोड भी है, जैसे रोड भी देखा जाए तो रोड भी कहीं कहीं गड्ढे हैं, BRTS पे भी देखा जाए तो गड्ढे, रोड का काम भी थोड़ा धीमा चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है जो इस बार के इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। कुछ और युवा हैं, यंगस्टर्स हैं और ख़ासतौर पर जो युवा होते हैं उनसे काफ़ी उम्मीद हर चुनाव में रहती भी है। चाय का मज़ा ले रहे हैं आप लोग जी, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में युवा किस तरीके से देखता है इलेक्शन को? हालांकि एक साल का वक्त है लेकिन युवाओं से काफ़ी उम्मीद रहती है, क्या मुद्दे हैं युवाओं से जुड़े हुए? युवाओं से जुड़ने के शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि शिक्षा विभाग की जो पद्धति है उसे सरकार सुधारे ताकि युवाओं को और भी सीखने का मौका मिले। आप क्या मानते हैं, युवा भी हैं आप और ख़ासतौर पर कितना फैक्टर है युवाओं का इस बार? अभी युवाओं का फैक्टर तो बहुत अच्छा है और जैसे आपने अभी इनसे पूछा कि क्या स्टार्ट क्या कर एम्प्लॉयमेंट है तो अभी सरकार जैसे नया स्टार्टअप वगैरह का चला रही है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब युवाओं को एक नई सोच मिल रही है जिससे युवा काम कर रहे हैं। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत होने जा रही है और 2023 में इलेक्शन भी होना है, ऐसे में तमाम जो युवा है अपनी विपक्षी के साथ में बात भी रख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है लेकिन रफ्तार कुछ धीमी है, उस रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारी, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो जायके के साथ चुनावी जायके को भी समझने की कोशिश की, कल फिर हाजिर होंगे हम हमारी इस खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में, कल फिर बात होगी किसी एक खास जगह की, वहां की सियासी इतिहास की। नमस्कार।